दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आखिरकार भारतीय टीम के लिए यादगार मुकाबलों में से एक बन गया और इस मुकाबले में ईशान किशन ने दोहरा शतक जड़ा और वहीं विराट कोहली ने शतक जड़ इतिहास रच दिया और फिर बांग्लादेश की टीम को हराकर इस सीरीज पर अनचाहे ढंग से कब्जा कर लिया। तो आपको भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट यहां वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हो तो आप अभी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ईशान किशन, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन एक अच्छा बल्लेबाज है। अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आप सभी तो जानते हो कि जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम पर भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज सफलतापूर्वक खेला गया, जहां इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम के कप्तान लिटन दास ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों पिछले दो फैसले तो इनके सही साबित हुए, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश की टीम को भारतीय टीम ने कोई मौका ही नहीं दिया। दरअसल हुआ ये कि आज 50 ओवर में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 409 रन जड़ डाले और बांग्लादेश की टीम को लक्ष्य मिला 410 रनों का और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की हवा बांध कर रख दी भारतीय गेंदबाजों ने। लेकिन दोस्तों गेंदबाजों की तो बात आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज कैसा प्रदर्शन किया कि वो 409 रनों तक ही पहुंच गए। दरअसल दोस्तों भारतीय टीम की पारी की शुरुआत होती है शिखर धवन और ईशान किशन की ओपनिंग साझेदारी के साथ, जहां इसी बीच ईशान किशन और शिखर धवन के बीच साझेदारी होती, उससे पहले ही ये साझेदारी 5वें ओवर की पहली गेंद पर टूट जाती है जब मेहदी हसन शिखर धवन को 3 रन पर ही पवेलियन भेज देते हैं, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं 15 रन के कुल स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगता है और फिर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं ईशान किशन, जहाँ इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच बेहद ही अच्छी 290 रनों की साझेदारी होती है, जहाँ इस बीच ईशान किशन अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक भी जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशान किशन ने 131 गेंदों में 210 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 24 चौके और 10 बड़े छक्के भी लगाए, जहाँ उनको तश्कीन अहमद ने लिटन दास के हाथों 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर कैच आउट करवाया और ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बाद फिर अपना शतक पूरा कर लेते हैं विराट कोहली, जो कि आज 91 गेंदों में 113 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं दोस्तों इन दोनों की बल्लेबाजी इतनी दमदार थी कि टीम इंडिया का स्कोर 344 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर दोस्तों सुरेश अय्यर यहां 3 रन बनाकर आउट होते हैं। तो वहीं केएल राहुल 8 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने 37 रन की पारी खेली, अक्षर पटेल 20 रन बनाकर ही आउट हो गए और यहां पर टीम इंडिया आज 50 ओवर में 409 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना पाने में कामयाब हो सकी। हालांकि एक समय पर तो लग रहा था कि टीम इंडिया 200-250 तक पहुंच जाए वही बड़ी बात होगी, लेकिन पिछले दो वनडे मुकाबलों का बदला आज ईशान किशन और विराट कोहली ने पूरा किया और वहीं बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए तश्कीन अहमद, शाकिब अल हसन और इबादत हुसैन ने, जिन्होंने दो दो विकेट हासिल किए थे। हालांकि दोस्तों बारी होती है बांग्लादेश की टीम की, जहां बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं अनामुल हक और लिटन दास, जहां अनामुल हक और लिटन दास अच्छी साझेदारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच अनामुल हक को अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा देते हैं, जो कि 8 रन बनाकर ही आउट हुए, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे। और अनामुल हक के आउट हो जाने के बाद लिटिन दास अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखते हैं और दोस्तों आज के इस मुकाबले में लिटिन दास ने 26 गेंदों में 29 रन बनाए और मोहम्मद सिराज ने उनको शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवाया और ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है, जहां शाकिब अल हसन तो एक छोर संभाले हुए होते हैं लेकिन मुस्तफिकुर रहीम मात्र 7 रन बनाकर ही अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हुए। तो वहीं यासिर अली को उमरान मलिक ने अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से LBW आउट किया, जो कि तूफानी 25 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे और यहां पर 4 बड़े झटके बांग्लादेश की टीम को मात्र 107 रन के स्कोर पर ही लग जाते हैं, जहां अब बांग्लादेश की टीम मुसीबत में थी और अब पारी को संभालते हैं शाकिब अल हसन और महमदुल्ला, जहां इस बीच दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी करते हैं। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे ये भी आज टिक नहीं पाए, क्योंकि यहां पर शाकिब अल हसन 50 गेंदों में 43 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर बोल्ड आउट हुए, तो वहीं उनका साथ निभा रहे महमदुल्ला ने 20 रन की पारी खेली और बांग्लादेश की टीम के 143 रन के कुल स्कोर पर 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। हालांकि अब अफीफ हुसैन और मेहदी हसन पर पूरा दारोमदार होता है टीम को आगे बढ़ाने का, लेकिन यहां पर ये भी क्या कर पाते। अफीफ हुसैन के रूप में बांग्लादेश की टीम को 7वां बड़ा झटका लगता है, जिनको शार्दुल ठाकुर उमरान मलिक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और वो 8 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम को तीसरे वनडे मुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने 2-1 से इस
श्रृंखला को समाप्त किया। हालांकि यहां पर भारतीय टीम भले ही इस सीरीज को जीत नहीं पाई, लेकिन तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने जिस प्रकार का प्रदर्शन पूरे भारत को कर दिखाया, उसके बाद तो अब यह अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं कि वनडे के लिए भी अब हमारी टीम तैयार है बड़ी बड़ी टीमों से भिड़ने के लिए। बाकी आप सभी यहां पर देख भी सकते हो कि भारत की तरफ से आज सबसे ज्यादा विकेट हासिल किए अक्षर पटेल ने, जिन्होंने 2 विकेट लिए थे, तो वहीं शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के बारे में, और आप ईशान किशन के दोहरे शतक और विराट कोहली के शतक को देखते हुए उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खूब छक्के चौकों की बारिश कर डाली। जी हां, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। दरअसल आज भारतीय टीम की शुरुआत शिखर धवन और ईशान किशन ने की थी, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद लग रही थी कि अच्छी साझेदारी आज ये कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बार फिर से बड़ा झटका शिखर धवन के रूप में टीम इंडिया को लगा, जब शिखर धवन 8 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर ही आउट हुए और उनको मेदी हसन ने LBW बोल्ड आउट किया। और वहीं दोस्तों शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे विराट कोहली, जहां एक छोर पर विराट कोहली थे और दूसरे छोर पर ईशान किशन। लेकिन दोस्तों इसी बीच विराट कोहली को आउट करने के मौके तो मैदान पर बने, लेकिन उनको कोई आउट कर नहीं पाया। और वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन ने तो आज के मुकाबले में अपना ऐसा परचम लहराया कि उसको अब साल दर साल दुनिया याद रखेगी। तो में काफी ज्यादा मुसीबत में नजर आ रही थी ओपनिंग साझेदारी को लेकर, यहाँ उसी ओपनिंग में अब ईशान किशन का नाम जुड़ना तय है, क्योंकि यहाँ पर आज वो शतक की ओर आगे बढ़े और इस दौरान उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया जिसको पूरी दुनिया अब याद रखेगी। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जैसे ही 75 रन बनाए तो उन्होंने वनडे क्रिकेट करियर के 300 रनों को भी पूरा कर लिया, और ये कारनामा ईशान किशन ने मात्र 10 मैचों की 9 पारियों में कर दिखाया। और इतना ही नहीं, ईशान किशन ने बतौर बांग्लादेश के खिलाफ किसी ओपनर द्वारा पहले मुकाबले में सबसे तेज रन बनाने के मामले में अपना नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि इससे पहले इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम था। गेल 104 के स्ट्राइक रेट से वहां बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरे नंबर पर एवी डिविलियर्स का नाम आता है, फिर तीसरे नंबर पर अब ईशान किशन आ चुके हैं लिस्ट में, और फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी भी शामिल है, जहां केएल राहुल की कप्तानी में अब टीम इंडिया पर काफी ज्यादा दबाव है कि वो आज के इस मुकाबले में कैसे जीत हासिल कर पाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि भारत की गेंदबाजी अभी भी काफी कमजोर है, लेकिन अगर बल्लेबाजी में कुछ कमाल हो सका तो टीम इंडिया के खिलाड़ी इसमें पीछे नहीं रहना चाहेंगे। तो वहीं तीसरे वनडे मैच के दौरान किसी भी प्रकार की बारिश की कोई संभावना भी जताई नहीं गई है, और मुकाबले के दौरान मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जिसके चलते बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलती हुई नजर आएगी। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।